डॉक्टर जकरिया मुखाती को उम्मीद है खैर आफिस से होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाइना पहुंच गया हूं और चाइना का जो मौसम है बहुत ही ज़बरदस्त है, हल्की हल्की बारिश हो रही है यहां पर और ठंड भी काफ़ी है। ठीक है, जब आप पाकिस्तान से आएंगे तो अपने स्वेटर जैकेट शैकेट लाजमी लेकर आइएगा ताकि आप यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और सेकेंडली स्टूडेंट पूछ रहे थे कि क्वारंटीन का क्या पॉलिसी है, क्वारंटीन ऐसा चाहिए भी कि नहीं चाहिए, क्योंकि पहले आपको पता है कि जिस आप एयरपोर्ट पर लैंड करते थे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में वहाँ पे क्वारंटीन था, फिर उसके बाद जब आप अपने यूनिवर्सिटी वाले सिटी में ट्रैवल करते थे वहाँ पे अलग से क्वारंटीन था, और फिर उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी में पहुँच के भी क्वारंटीन था। लेकिन अब फॉर्चुनेटली और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे क्वारंटीन की जो पॉलिसीज हैं वो ख़त्म हो गई है, आपको क्वारंटीन नहीं चाहिए। जब आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे तो वहाँ पर लैंड करने के बाद मैं सजेस्ट करूँगा कि सजेशन है सिर्फ, यानी अपनी मर्जी से एक रात एटलीस्ट होटल में स्टे कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगी, हर चीज़ को चाइनीज में है लिखा भी चाइनीज में होगा, चाइनीज लोग मिलेंगे उनको इंग्लिश भी नहीं आती होती है, और एक आध रात वहाँ पर रुके फिर अगले दिन अपनी फ्लाइट या ट्रेन जो भी आपने करवाना है वो करवाएं और फिर अपने डेस्टिन सिटी में पहुँच के सीधा अपनी यूनिवर्सिटी में जाएं। वहाँ पे एयरपोर्ट के बाद आपको कोई भी रिसीव नहीं करेगा क्वारंटीन के लिए। ठीक है, एयरपोर्ट पिकअप वगैरह तो प्रोवाइड किया जाएगा लेकिन क्वारंटीन के लिए कोई आप गवर्नमेंट ऑफिसर रिसीव नहीं करेंगे। और यूनिवर्सिटी पहुँच के अपने ड्यूज वगैरह क्लियर करें, रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि आपको हॉस्टल रूम अलॉट हो और आपका काफ़ी हद तक खर्चा बच जाएगा। और साथ में अपने साथ मसाले वगैरह लाजमी लेकर आइएगा, क्योंकि यहाँ पे शुरू में आपको ज़ाहिर नहीं पता कि पाकिस्तानी मसाले कहाँ से मिलेंगे, मिल जाते हैं हर चीज़ लेकिन आपको नहीं पता कि सुपरमार्केट किससे मिलेगा या किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिलेगा। तो बेहतर है कि बजाय इसके कि आपका टाइम ज़ाया हो और आपको थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़े तो आप यहाँ पे आपके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा। बाकी जैसा आपसे वादा किया था कि जब फ्लाइट स्टार्ट होंगी तो ऑल ओवर चाइना भी मिलेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह चाइना पहुँच गया और इट फील्स लाइक अ होम टू मी, यानी चाइना मेरा दूसरा घर है किस्म का। सो अ वेरी वार्म वेलकम फ्रॉम इन टाइम स्टडी एडवाइजर्स और हम लोग वेट कर रहे हैं कि आप लोग आएँ और बाकी आप सब जो हमारा ट्रेवल जर्नी है वो शेयर होता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।